नमस्कार, सीरियस भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की विशिष्ट पूजा, विशेष परिधान में गौरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में आए नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना फ्लैट्स घोटाले पर सौरभ भारद्वाज बोले, बिना डीडीए अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकती बिक्री। बीजेपी पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, बोले वो लिंचिंग करते हैं, उनकी पार्टी आतंकी। गुजरात के महसाणा में हुआ बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से निर्माण स्थल पर 7 मजदूरों की हुई मौत। जेके टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की बढ़ी अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई तीव्रता। विजयदशमी पर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ शस्त्र पूजन। इसराइल ने लेबनान में चलती कार को बनाया निशाना, मिसाइल अटैक में कई घायल। बीएचपी नेता विकास बग्गा मर्डर केस में एनआईए ने बीकेआई प्रमुख बधावा सिंह समेत 6 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। जेपीएनआईसी विवाद पर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी की विकास योजनाएं सपा के काम के आगे फीकी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।